सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटे का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को दिया बेबी सिटर का ऑफर, ऋषभ पंत ने भी इसका दिया यह जवाब। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया डेली न्यूज अड्डा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पंत ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर न केवल मैदान पर बल्कि आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में भी एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन की पत्नी बोनी ने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को कुछ दिन पहले बेस्ट बेबी सिटर बताया था। अब रोहित ने पंत से अपनी बेटी समारा के लिए बेबी सिटर का ऑफर दिया है। पंत ने भी इसका शानदार जवाब दिया। रोहित ने लिखा, सुप्रभात दोस्तों, एक अच्छे बेबी सिटर की जरूरत है, तत्काल चाहिए। ऋषभ पंत के लिए ऋतिका भी खुश होगी। पंत ने इसका सीधे कोई उत्तर नहीं दिया और इस पूरे प्रकरण में युजवेंद्र चहल को घसीट दिया और पूछा कि क्या चहल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। समायरा का बेबी सिट के लिए बहुत खुशी होगी, बधाई हो ऋतिका। दोस्तों गौरतलब है कि चहल रोहित और ऋतिका सचदेव को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और गौरतलब है कि मेलबर्न टेस्ट के दौरान पेन और पंत के बीच काफी कॉमेंट सुनने को मिले। पंत ने पेन ने पंत से कहा कि जब वे अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने ले जाएंगे तो क्या वो उनके बच्चे को बेबी सिट का काम करेंगे। पेन ने यह भी कहा था कि भारतीय बनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई है, ऐसे में धोनी के आने पर पंत टीम से बाहर हो जाएंगे और वो बेबी सिटर की भूमिका निभा सकते हैं। बाद में पेन की पत्नी बोनी और पंत एक तस्वीर में नजर आए थे। बोनी ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था, बेस्ट बेबी सिटर ऋषभ पंत। तस्वीर में पेन के एक बच्चे को पंत ने गोद में लिए हुए थे तो दूसरा बच्चा पेन की पत्नी बोनी की गोद में था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के में शानदार प्रदर्शन के दम पर न केवल मैदान पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में भी भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने नया मुकाम हासिल किया है। पंत ने टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है। इस रैंकिंग में भारत के 21 वर्षीय बल्लेबाज पंत ने 21 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल किया है। पंत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे मैच में भारत के लिए पहली पारी में 159 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसी के दम पर उन्हें टेस्ट बल्लेबाजी में 17वां स्थान हासिल हुआ। ऐसे में उन्होंने पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारूक इंजीनियर की बराबरी कर ली है और यह भारतीय विकेटकीपर द्वारा संयुक्त रूप से सर्वोच्च रैंकिंग है। साल 1973 में फारूक ने यह रैंकिंग हासिल की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।